अस्सलामु अलैकुम या अहले कुबूर। ये ठीक रहा है ना? हाँ, मुर्दे हो तो हाँ हाँ करवे करो। जिंदा लोग ना वालेकुम अस्सलाम बोलता है, बोला हाँ ये लो। इसका मतलब इसको पता ही नहीं कि कहाँ कैसा सलाम किया जाता है। नमस्ते मालूम होगा क्या? अस्सलामु अलैकुम, ये काम करना चाहिए था पहले से आपको। हजरात, कई कई कलामों का हुक्म है, मगर एक दो शेर करके मैं पढ़ दूंगा। खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला मक्की को आपने समाअत किया, वाकई बहुत लाजवाब गुफ्तगू हुई। और इंशाअल्लाह ताला मुंबे गोवंडी से आए हुए खतीब अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला को आप सुनेंगे, मस्त हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत लाजवाब गुफ्तगू होती है। मैं चाहता हूं कि जो आपकी रीत है दुरूद शरीफ पढ़ने की, वो उसको बरकरार रखिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद व अला आले सैयदना व मौ। पढ़ोगे दिल से जो ये सुबह मसा दुरूद शरीफ, तो खुद सुनेंगे रसूले खुदा। क्या करता है यार, एक बार में सुधरो, इधर उधर मत करो। पढ़ोगे दिल से जो ये सुबह मसा दुरूद शरीफ, तो खुद सुनेंगे रसूले खुदा। दुरूद शरीफ नबी को कब्र में देखा जो एक आशिक ने, तो झूम के पढ़ने लगा दुरूद शरीफ। पढ़िए अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद हवा मनोवर फजा मुअत्तर। ये कुबूलियत की घड़ी आने वाली है। मैं नात के शेर पढ़ रहा हूँ, समझो ना समझो सुभान अल्लाह कहना। हम जान रहे हैं, समझने के चक्कर में रहोगे तो मदरसा जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उर्दू का लोग गला घोंट रहे हैं, इसी झारखंड में उर्दू दूसरे स्थान पर था, अभी कहाँ पता नहीं कर दिया। क्यों कर दिया? जलसे वाले और भी लोग हिंदी में पोस्टर छपवाते हैं, गैरत मर गई है। हिंदी में पोस्टर छपवाते हो, जब तुम उर्दू में छपवाओगे लोग नहीं पढ़ने जान रहा है तो दूसरे से पढ़वाएगा तो उसकी गैरत जागेगी, काश हम उर्दू पढ़े होते। जब हम खुद ही खुद हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे, दूसरा कौन मोदी योगी पढ़ देगा? अरे हंसने वाली बात नहीं है, ये गैरत से मर जाओ। तुम उर्दू नहीं जानते, जबकि उर्दू को हमको ही बढ़ावा देना है, दूसरा कोई देगा? तो उर्दू पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, उर्दू पढ़ाओ आगे बढ़ाओ। हिंदी अखबार लेकर के बैठ जाता है, पढ़ो या मत पढ़ो एक उर्दू अखबार जरूर खरीदो। यही वजह से उर्दू अखबारें बंद हो गई, खरीदता ही नहीं है कोई। मैं पढ़ता हूँ, एक भी आदमी चुपचाप नहीं दिखना चाहिए, वही चुप रहेगा जो एकदम जाहिल हो। पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा हवा मनोवर फजा मोहतर, फरिश्ते जन्नत से आ रहे हैं। माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग।
अल्हम्दुलिल्लाह। हवा मनोर फजा मोहतर फरिश्ते जन्नत से आ रहे हैं, पढ़ो इशारा भी समझ के गूंगे बोलने लगते हैं। आप तो जबान वाले हैं। फरिश्ते जन्नत, हाँ ये बात हुई। अब एक शेर पढ़ देता हूँ, मजमा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जब मैं ये शेर पढ़ता हूँ। आज पता नहीं, आज का मुझे पता नहीं, मगर मैं पढ़ देता हूँ। पूरा मजमा इस्तकबाल खड़ा होकर के करता है जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ। एक बार सुन के देख लो, दोबारे पढ़ दूंगा, नहीं समझ में आए तीसरी बार पढ़ दूंगा। हलीमा दाई का घर वो आंगन, हलीमा दाई, हलीमा दाई का घर वो आंगन, जहाँ पे गुजरा नबी का बचपन, जहाँ पे गुजरा नबी का बचपन, वो देखो सोए है मेरे आका, वो देखो सोए झूला। जब बोले फुलवड़िया कमेटी तब बहुत लोग चुपचाप रहे। कोई तकलीफ है कमेटी वालों से? हाजी, अरे फुलवरिया कमेटी कहे हो या केजीएन कमेटी कहो, फुलवरियम तो यही लोग हैं, तो जिंदाबाद कहना चाहिए, हौसला देना चाहिए। अब आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं ये शेर पढ़ा और लोग चुपचाप बैठ के सुने। आइंदे कभी हिम्मत नहीं करूंगा आपके फुलवरिया आने के लिए। हाँ भाई, खाजा का हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, दिल्ली में 2-4 जलसे कैंसिल करता हूँ। अफसोस हुआ, लेकिन मैंने कहा 3 पढ़ दूंगा। हलीमा दाई का घर वो आंगन, जहां पे गुजरा नबी का बचपन, वो देखो सोए है मेरे आका, फरिश्ते झूला झूला रहे। पूरा मजमा खड़े होकर इस शेर का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे शोएबुल औलिया, शहजादे शोएबुल औलिया, सैयद वहीदुज्जमा कादरी, शायरे इंटरनेशनल दिलबर शाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह फरिश्ते झूला झूला रहे। हलीमा दाई ढोलक की आवाज निकलती है उसको बंद करो, जिससे झनकार की आवाज निकलती है उसको खोलो। हलीमा दाई का घर वो आंगन, जहाँ पे गुजरा नबी का बचपन, जहाँ पे गुजरा नबी का बचपन, वो देखो सोए है मेरे आका, वो देखो सोए, वो देखो सोए है मेरे आका, फरिश्ते झूला।
तुम आले रसूल से मोहब्बत करते हो तो इसमें ताज्जुब क्या? क्या ताज्जुब है? तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, फिर भी वो एहतराम करते हैं जो बादशाह वक्त है। वो एहतराम करते हैं जो मौजूदा दौर के मुजद्दिद हैं। कल समझना, ये बहुत ऊंचे लेवल की बात। हाँ भाई, अब एक शेर सुना देता हूं। मेरे मुजद्दिद हैं आला हजरत, एक भी हाथ नीचे ना रहने पाए। जिन्हें आले रसूल से मोहब्बत हो वो हाथ नीचे ना करे, और जिन्हें आले रसूल से मोहब्बत ना हो जगह खाली करे। मेरे मुजद्दिद है आला हजरत, है कितनी आले नबी से उल्फत। हाथ उठा के मेरे ताजू शरिया ने भी आले रसूल से मोहब्बत का दर्स दिया है। मेरे मुजद्दिद हैं आला हजरत, है कितनी आले नबी से उल्फत। स्टेज वाला अभी तक नहीं बोला है, एक बार मेहरबानी कर दे, बस एक बार मेहरबानी कर दे, उसके बाद मत करियो। मेरे मुजद्दिद है आला हजरत, है कितनी आले नबी से उल्फत, है कितनी आले नबी से उल्फत। खुद एक सैयद की पालकी को, खुद एक सैयद की पालकी को, खुद एक सैयद की पालकी को लगा उठा। अरे क्या करें, दिलवर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शुएबुल औलिया व अजमत आले रसूल कॉन्फ्रेंस, शहंशाह तरन्नुम जनाबे दिलबर शाही, मसलक आला हजरत, तालीमात आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आप अगर मोहब्बत करते हो तो क्या ताज्जुब जी? मेरे आला हजरत ने बताया कि औलाद रसूल के एहतराम कैसे किया जाता है कि नहीं? तो जरा सा हाथ उठाएं, कह दें सुभान अल्लाह। एक हाथ आला हजरत के नाम, दूसरा हाथ औलादे रसूल के नाम। जोर से और जोर से। मेरे मुजद्दिद है आला हजरत, आला हजरत। मेरे मुजद्दिद है आला हजरत, है कितनी आले नबी से उल्फत। खुद एक सैयद की पालकी को लगा के कांधा मुनव्वर, फजा मुहत्तर, फरिश्ते जन्नत, फरिश्ते जन्नत से आ रहे हैं। अशार इसमें और भी हैं, मगर फरमाइशों का जो पिटारा है ना, वो सबसे पहले जब मैं यहाँ पर आया था, किसी भाई ने इतना बड़ा रुका दिया है, 100 रुपया दिया और वो रुका दिया। मुझे उसी वक्त पढ़ देना था, लेकिन उस वक्त पढ़ देते तो वो भाई भाग गया कि है पता नहीं, लेकिन अब मैं पढ़ दूंगा। मैंने आप में से कोई बगदाद देखा है? आप गए हैं? हाथ मिलाओ, इधर आओ। क्या बात है, क्या बात है, आप बगदाद गए हो? तब 500 देना चाहिए था।
मेरे ख्याल में इस महफिल में पता नहीं औलादे रसूल की बात मैं नहीं जानता, चूंकि उनके घर की बात है, मेरे लिए तो दर की बात है, इनके तो घर की बात है। आपकी दुआ से मेरी हाजिरी हुई है सरकार, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर की बारगाह में मेरी हाजिरी हुई। मैंने बहुत सारे मनकबत के शेर पढ़े वहां पर बैठ करके, और मदीने शरीफ में हाजिरी हमारे बड़े भाई अलामा जिक्रुल्ला मक्की साहब के साथ में गया था। हम लोग दोनों भाई ने खूब तवाफ किया है, खूब मदीने शरीफ में मक्के शरीफ में खूब मतलब इबादतें की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वो मतला पढ़ देता हूँ जिसके लिए मैं जाना जा रहा हूँ। इस दौरे हाजिर में इतना मकबूल कलाम है, ये इतना मकबूल है कि बच्चे बच्चों की जबान पर है। इश्क़े नबी का जाम पिला ओ ना गौसे पाक बोला, 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 ओ ना गौसे पाक। बगदाद मैंने देखा नहीं, बगदाद मैंने देखा नहीं है, कदमों में अपने मुझको सोलाओ ना गौसे पाक बोलाओ ना गौसे पाक। पूरा मजमा एक आवाज में, बगदाद मैं नहीं, जितनी आबादी उस हिसाब से आवाज नहीं है। बगदाद मैं जुल्म जफा सितम है बलाओं का राज है, हम जिसमें जी रहे हैं ये कैसा समाज है, शहरी लिखो गई है फसा इस तरह यहाँ, गौसुल वरा से मेरी ये फरियाद आज है। जमीन दे के बसा ओ ना गौसे पाक बोला, ओ ना गौसे बोला, ओ ना गौसे पाक बोला, ओ ना गौसे पाक। आवाज आपकी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। पूरा पढ़े, पढ़ते ही तो नहीं हो। बगदाद जितने लोग पढ़ रहे हैं उनके हाथ उठे, बगदाद मैंने तो कहिए ना, कदमों में अपने मुझ अच्छा चलिए अच्छी बात है, बबलू भाई ने देखा है, अल्लाह करे कि फिर से देखे। देखो सरकार बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर पीरों के पीर मीरों के मीर फरमाते हैं, मेरा गुलाम मेरा नाम उस वक्त तक नहीं ले सकता जब तक मैं ना चाहूं। ये कौन कह रहे हैं? सरकार गौसे पाक कहते हैं, तो लिहाजा एक बार ट्राई ले ही लेना चाहिए, क्या ख्याल है? पूरा मजमा हाथ उठाए बोले या गौस अल मदद। इसका मतलब है कि मेरे सरकार ने चाहा तब हम लोगों ने नाम लिया, है कि नहीं, है कि नहीं? बाकी आप लोग खड़े जो हो, कल बोलना है, कल इसी जगह आना, सुभान अल्लाह बोल के चले जाए। मैं क्या करूंगा सुन के जमाने की है गाया, वजह सुकून है शेख जीला की करामत, बरतानिया अफगान से क्या लेना है मुझे, मौका मिला तो देख न पूछू गए के बाद, कब जाऊंगा इराक बता ओ ना गौसे पाक बोला, ओ ना गौसे पाक बोला, ओ ना गौसे पाक बोला, ओ ना गौसे पाक। बगदाद मैंने, बगदाद मैं जोर से, बगदाद मैंने एक बंद पढ़ूं, तैयारी मुकम्मल है आपकी? है तो कह दे सुभान अल्लाह।
कदमों में अपने मुझको सुलाओ ना गौसे पाक बुलाओ ना गौसे पाक। अल्लाह जो लोग पढ़ रहे हैं मौला तो उन्हें बगदाद शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा दे, आज जो नहीं पढ़ पा रहे उनको फुलवड़िए बढ़िए पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो। औलादे रसूल औलादे गौसे आजम मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, ये गवाह हो जाएंगे, मुस्कुरा देंगे, बेड़ा पार लग जाएगा। सारे पुरों में मैं हूं बुरा तो बुरा सही, लेकिन तमाम अच्छों में अच्छा मिला तुझे। दादी है तेरी बात मदादा तेरे अली, देखे कि तेरा रोजा निगाह है ये कब मेरी हसरत की आग मेरी बुझा ओ ना गौसे पाक बोला ओ ना गौसे पाक बोला ओ ना गौसे पाक। जितने लोग पढ़ रहे हैं वो हाथ उठा के पढ़ना तो पता चल जाएगा। कदमों में अपने मुझको बोला ओ ना गौसे पाक बगदाद मैंने देखा नहीं है। एक बंद और पढ़ो, इजाजत है, इजाजत है तो कहिए सुभान अल्लाह। एक बंद ऐसा है ना जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस आपका जहन खुद ब खुद चला जाएगा वहां तक जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। सुनिएगा, पढ़ देंगे। अम्मी से मोहब्बत करते हो? हैं? करना। दुनिया में इज्जत चाहो तो अम्मी से मोहब्बत करना। मस्तान पूरे रात भर नारा लगाए लेकिन नारे रिसालत कौन बने? नारे तकबीर के बाद सीधे गौसे पाक पे चले जाते हो, नारे रिसालत जरूर बोलना है। हाँ नारे तकबीर के बाद सीधे चले जाता है गौसे कदम, नारे रिसालत कौन बोलेगा? मुर्शिद से जो भी वादा किया था निभा दिया, लंगर बनाया और बना कर आधा में आधा। मुर्शिद से जो भी वादा किया था निभा दिया, लंगर बना या और बना कर दुनिया को सब्र शुक्र का मतलब सिखा दिया, पत्थर शिकम पे बांध के सबको खिला दिया, साबिर पिया का जलवा दिखा ओ ना गौसे पाक बोला ओ ना गौसे पाक बोला ओ ना गौसे पाक। सारा मजमा एक आवाज में बगदाद मैंने। हम शायर नहीं है नात खान, बैठिए। अच्छा, कदमों में अपने मुझको सोला ओ ना गौसे पाक बोला ओ ना गौसे पाक। मुझे नहीं पता था मुझे जलसा है लेकिन यहाँ उसका प्रोग्राम है, मुझे नहीं ध्यान था और इतनी बड़ी बारगाह है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एक शेर भी नहीं कह के लाया तो मुझे इसका अफसोस है। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा किया और आइंदे बार आऊंगा तो सरकार शोएबुल औलिया की शान में मैं कुछ अशआर आपको सुनाऊंगा, लेकिन अगर मेरी कोशिश रहेगी मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला। मैं एक और शेर पढ़ देता हूं इंशाल्लाह। हजरत ने कह दिया दिल पर पहुंच गया, अक्टूबर में सिवान में जिंदाबाद इंशाल्लाह ताला मेरी हाजिरी होगी, क्योंकि हजरत ने बरसरे स्टेज कह दिया ये आले रसूल और ये मेंबरे रसूल और इधर खड़ा गुलामे रसूल।
और इधर है नाई बीने रसूल। अल्लाह सलामत रखे। मैं पढ़ता हूँ, सुन लीजिए। कदमों में अपने मुझको सुलाओ ना गौसे पाक, बुलाओ ना गौसे पाक, बगदाद मैंने देखा नहीं है। कदमों में अपने मुझको सुलाओ ना गौसे पाक, बुलाओ ना गौसे पाक, बुलाओ ना गौसे पाक, बगदाद मैंने देखा नहीं है। इस दिल से दूर आज गिरन जो अलम करो। एक बार कह दो या हुसैन, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हसन, या हसन। इस दिल से दूर आज गिरन जो अलम करो, मौला हसन हुसैन के सदके करम करो। दुनिया पड़ी है पीछे तुम्हारे गुलाम के, बढ़ता ही जा रहा है सितम, आप कम करो। तुम जालिमों का जोर मिटा ओ ना गौसे पाक, बोला ओ ना गौसे पाक, बगदाद मैंने, बगदाद मैंने देखा नहीं है। इश्क नबी का जाम पिलाओ ना गौसे पाक, बोलाओ ना गौसे पाक। अल्लाह सलामत रखे। बड़ी जिंदगी के साथ आपने सुना, चूंकि टाइम टाइम काफी हो गया, तीन बज गए। अल्लाह मुझे मालूम नहीं था, हजरत माफ कीजिए, मक्ता तो पढ़ूं, मक्ता बगैर पढ़े तो मैं जाऊंगा नहीं। चूंकि जब पहली बार मक्ता मैंने घर में सुनाया था तो झगड़ा होते होते बचा। सिवान में सुनाएंगे, सिवान होना, सिवान में सुनाएंगे। अच्छा छोड़ दो मक्ता नहीं पढ़। हाय हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे। मैं तुझ पे कुर्बान, मैं तुझ पे कुर्बान, मेरी अम्मी जान, तू बन, तू बन, तू बन जन्नत के मेहमान, तू बन जन्नत के मेहमान। अल्लाह सलामत रखे। देखो अम्मी जान को खुश करके रखना, जब खुश रखोगे ना तो तुम्हारे पीर तुमसे खुश रहेंगे। और अच्छा और सच्चा पीर वही है जो तलकीन करे कि बेटा अपने माँ बाप की कद्र करो, अपने माँ बाप की बातें माना करो, वरना मेरे नबी भी नाराज होते हैं उस शख्स से जिससे उनके वालदैन नाराज हैं। मेरे नबी ने फरमाया और मेरे नबी ने जो फरमा दिया वो सच है, सच है, सच है, सच। चाहे जमीन आसमान हो जाए, आसमान जमीन हो जाए, लेकिन नबी ने जो फरमा दिया वो हक है। और मेरे नबी ने क्या फरमाया, तेरे कदमों में ही। आए हाय हाय हाय, मेरे छोटे छोटे अच्छे अच्छे भाई सब सबको ये शेर याद है, अल्लाह सलामत रखे। तेरे कदमों में ही रखी है मेरी जन्नत। देखो ये कलाम पूरा सुनना चाहते हो, अजी सिवान आना, पूरा कलाम सुनो। आज तक मैंने कहीं नहीं सुनाया है, आज वादा करता हूँ पूरा कलाम मैं सिवान में सुनाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, यही पूरा कर दे। हजरत को पहले नजराना, जो हजरत का नजराना है ना वो पेश कर दो। काम मतलब है तकरीर करने का, है कल बम्बई से बुलाया,
मैं इंशाल्लाह सिवान आओ, मैं इंशाल्लाह पूरा कलाम सुनाऊंगा। आज मैं वादा करता हूँ, तेरे कदमों में ही रखी है मेरी जन्नत, ओ मेरी माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, तेरे कदमों में ही रखी है मेरी जन्नत, तेरे कदमों में ही रखी है मेरी जन्नत। मुस्तफा 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 का ये फरमान। एक भी उठना नहीं, अगर उठ जाओगे